जिसे हम मणि बोलते हैं, आपका ये पेपर है एम ई सी ई, आपका ये है एम ई सी ई 004। और जो एम ई सी ई 004 है इसके साथ ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक में बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन आज ये मेरा पहला चैप्टर है और फर्स्ट टॉपिक है। तो इस फर्स्ट टॉपिक में आपको यूनिट फर्स्ट, जो यूनिट फर्स्ट है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। जो यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है आपका है, ठीक है, यूनिट फर्स्ट, ठीक है। इस यूनिट फर्स्ट में क्या दिखाया गया है, और यूनिट फर्स्ट जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर इस करके है ये, क्योंकि किसी भी पेपर को या किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपका स्टार्टिंग सिस्टम पता है तो आपका पूरा बुक समझ में आ जाएगी। स्टार्टिंग के चैप्टर्स क्या है, उसका लिंक कैसे करना है, ये चीज़ें जानना आपको जरूरी है क्लास। तो सबसे बड़ी पहली बात है कि आपका ये पेपर जो है MEC 4 है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नेचर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। नेचर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम को आप नोट करते जाइए प्लीज, द नेचर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। और नेचर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम को समझने के लिए आपको इसके सिस्टम को समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है, पहली बात आपको यह जानना है। क्योंकि देखो, आप किसी कंट्री को ले लें और हर कंट्री की ग्रोथ, हर कंट्री का जीडीपी, हर कंट्री का सेविंग रेट, कैपिटल फॉर्मेशन रेट, क्योंकि अल्टीमेटली किसी कंट्री को ग्रोथ करनी है और कंट्री की ग्रोथ के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, उस कंट्री का जीडीपी ग्रोथ के लिए फाइनेंशियल सेक्टर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर अगर प्रॉपर रन करेगा, अगर फाइनेंशियल सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है तो इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि किसी इकोनॉमी को प्रॉपर रन कराने के लिए एक फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए। फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब यहां पर है कि इकोनॉमी में फाइनेंस को कैसे मोनेटाइज किया जाता है, कैसे उसको कंट्रोलिंग किया जाता है, किस तरह से हमारी इकोनॉमी का फाइनेंशियल सिस्टम चलता है और उस फाइनेंशियल सिस्टम से कौन कौन से स्टेप्स हैं। मतलब किसी कंट्री को ले जाने के लिए उसका जो मेन स्तंभ जिसे बोलते हैं, मेन पिलर्स किसी कंट्री की ग्रोथ के लिए, वो होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर अगर स्ट्रांग है तो जितने भी प्लान्स होते हैं, जितनी भी प्लानिंग होती है, जितने भी कोई भी प्लानिंग हो वो बेटर तरीके से रन करती है। इसलिए बोलते हैं कि जिस कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, अप डाउन है, जिस कंट्री में प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं हो पा रही है, वो उस कंट्री, वो कंट्री फेल हो जाती है। तो यहाँ पर आपको पहले से तो भैया समझना है कि फाइनेंशियल सिस्टम है क्या। हम ये जो बता रहे हैं ये तो रोल है इसका फाइनेंशियल सिस्टम का, जिसे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमी। लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम के रोल को बताने से पहले आपको फाइनेंशियल सिस्टम समझना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम किस तरह से वर्क करता है ये आपको जानना जरूरी है। तो पहला टॉपिक है आपका द नेचर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। नेचर आपका मतलब होता है कि क्या स्ट्रक्चर है। यू कैन से द नेचर, इट मीन्स देयर इज अ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने क्या कर रखा है, आपके इस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैंने पूरे सिस्टम को
फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब फोर पार्ट के वन बाई वन नोट करते जाइए, चीजों को समझते जाइए, तब आपको लगेगा कि यार ये पेपर तो बड़ा इजी है, बहुत इजी है, बस अब आप सिस्टम को समझ लेंगे तो। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मुझे आप पढ़ाने दीजिए 4-6 क्लासें, आप बोलेंगे सर आगे के लेक्चर मत पढ़ाओ सर, समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिस्टम समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम बात करेंगे सिस्टम की। अब सिस्टम को हमने इसको क्लास फोर पार्ट में डिवाइड किया। अब आप क्या कीजिए, फोर पार्ट कीजिए। पहला पार्ट मैंने ये माना, यानी कि अगर हम यहां से लाइन खींच दें तो ये हमारा पार्ट वन हो गया, ये हमारा पार्ट टू हो गया, हमारा पार्ट थ्री हो गया और ये हमारा पार्ट फोर हो गया। ओके, देयर इज फोर पार्ट। देयर इज अ फोर पार्ट। फर्स्ट पार्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब पूरे स्ट्रक्चर को समझना है आपको। स्ट्रक्चर समझ में आएगा तो पूरा आगे के लेक्चर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे, क्लास में आपसे बताता हूँ। लेकिन आपका सिस्टम ही नहीं समझ में आएगा तो चीजें आपका ओवरलैपिंग हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि पेपर पहली बार पढ़ रहे हैं और आपको ऐसी ऐसी टर्में मिलेंगी कि सोचोगे ये क्या होता है। तो मैं टाइम टू टाइम बताता जाऊंगा, लेकिन आपको ध्यान से पहला लेक्चर तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो देखिए फाइनेंशियल सिस्टम को सबसे पहले हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिवाइड किया। तो इस इंस्टीट्यूशन को आप पार्ट में डिवाइड कीजिए क्लास, इसको बोलेंगे आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा बोलेंगे फाइनेंशियल मार्केट, तीसरा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और चौथा है फाइनेंशियल सर्विस। दिस फोर पार्ट। अब पहला पार्ट है क्लास, इसको भी टू पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब आपको एक एक पार्ट को समझना है। पहले फर्स्ट पार्ट, सर एग्जाम 23 को है, टॉपिक कंप्लीट कर दीजिए। यस 23rd को, कमिंग 23rd को। ओके, सो इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं भी आपको पढ़ाने के लिए। देखो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड द नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अब देखो सबसे पहला इसका जो पिलर है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम बोलेंगे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को डिवाइड कर दिए। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं क्लास, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं कि जितने भी बैंक हैं, जैसे जितने क्लास बैंकिंग इंस्टीट्यूशन मतलब जितने भी बैंक हैं, मतलब हेड अथॉरिटी आरबीआई है, और आरबीआई के नीचे जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, नॉन कॉमर्शियल बैंक हैं, जितने शेड्यूल्ड बैंक हैं, जितने नॉन शेड्यूल्ड बैंक हैं, जितने प्राइवेट बैंक हैं, जितने कॉरपोरेट बैंक हैं, वो सारी बैंकिंग सिस्टम आ गया। मतलब पूरी इकोनॉमी में जो बैंकिंग सिस्टम है इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है क्लास, जिसे हम बोलते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, और अगला होता है इंटरमीडिएटरीज एंड नॉन इंटरमीडिएटरीज। तो इंटरमीडिएट सुना होगा आपने, नॉन इंटरमीडिएट सुना होगा आपने, थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको अच्छी तरह से, कि जो बैंकिंग के बाद इंटरमीडिएटरीज। बोलोगे इंटरमीडिएट क्या होते हैं क्लास, इंटरमीडिएटरीज वो होते हैं जो बिचौलिए होते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, जो जो बीच का कारोबार करते हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस सुना होगा आपने, क्या करता है आपको गोल्ड के बदले लोन प्रोवाइड करता है,
या बहुत सारी सी चिटफट कंपनियां होती हैं, चिटफिट जो भी होती हैं, जो कि पॉलिसीज बेचती हैं, या बहुत सारे ऐसे एनजीओज होते हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, ब्रोकर्स, यस यू कैन से महक ब्रोकर, मतलब जो दलाल बीच के होते हैं। लेकिन ये दलाल उस टाइप के दलाल नहीं हैं जो मार्केट में दलाली करते हैं। दलाल ये होते हैं कि सपोज दैट आपको बहुत सारी बजाज फाइनेंस है, या बहुत सारी ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि लेन देन करते हैं, आपको लोन्स प्रोवाइड करेंगे, छोटी छोटी कंपनियां होती हैं जो आरबीआई से, जो कि मतलब बड़े बैंकों से पैसा लेकर के और आगे लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे अपने मोहम्मद यूनुस का नाम सुना होगा, जिसने बांग्लादेश में जो है सभी लोगों, गरीबों को जो है क्या किया, लोन प्रोवाइड किया। लेकिन लोन अपनी जेब से नहीं दिया, उसने क्या किया, 10% रेट पे बैंक से लोन उठाया और अपने बिहाफ पे उसने अलग लोगों को लोन बांटा। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, हम आगे आपको पढ़ाएंगे अभी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता क्या है। तो इंटरमीडिएटरीज एक अलग से आपका चैप्टर हो जाएगा। तो आपको पढ़ना है यहाँ कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग और अगला है इंटरमीडिएटरीज एंड नॉन इंटरमीडिएटरीज, जो डायरेक्ट काम करते हैं, इंटरमीडिएट के काम नहीं करते हैं। आगे आपको समझाएंगे, ठीक है, इसको समझ लेना। अब हम बात करते हैं क्लास, अब दूसरा हमारा होता है मार्केट, वो ये मार्केट है हमारी फाइनेंशियल मार्केट। देखो जो फाइनेंशियल मार्केट है इसको भी, जहां पर फाइनेंस का कारोबार होता है, ठीक है, बताता हूं आपको। जैसे आप कोई एफडी लेते हैं, या कोई बॉन्ड परचेज करते हैं, या आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो जैसे गुड्स की मार्केट होती है, जैसे गुड्स की लेन देन होता है, प्राइस डिटरमाइंड होता है थ्रू डिमांड और सप्लाई, उसी तरह से फाइनेंशियल मार्केट भी होती है। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में क्या सेल किया जाता है, वो ये सेल किया जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। अब बोलोगे पहले इसको समझ लिए, हमने क्या किया है, इस फाइनेंशियल मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला है क्लास ए पार्ट है, जिसे हम बोलेंगे प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, और बी पार्ट इसका है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये आपका 2 मार्केट हो गया। अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, आप इसको पहले समझ लीजिए। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, प्राइमरी मार्केट ये होता है कि फर्स्ट टाइम कोई पॉलिसी आती है, प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है कि फर्स्ट इनिशियल स्टार्टिंग इशू, इनिशियल। जैसे आप एक एग्जांपल समझ लीजिए कि कोई कार, आप नई कार आती है, तो नई कार क्या है, वो प्राइमरी मार्केट में सेल होगी, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद वही कार, सिक्योरिटी का फर्स्ट पॉइंट बेटा समझ नहीं आया, क्या बताता हूँ, फ्रेश इशू, यस, मतलब प्राइमरी गुड्स का मतलब होता है यहाँ पर कि प्राइमरी मार्केट मतलब फ्रेश इशू, जो फर्स्ट टाइम इशूज किया जाएगा, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, चाहे पॉलिसी हो, चाहे बॉन्ड्स हो, या आप शेयर मार्केट में कोई पॉलिसी परचेज करते हैं। मान के चलो यार, एग्जाम्पल बता रहा था कि जैसे आपने पहली बार कार परचेज कर लिया, तो वो कार क्या है, वो कार आपके लिए फर्स्ट इशू है। तो जहां पर पहली बार पॉलिसी का खरोद फरोद किया जाता है, जहां पर ट्रांजैक्शन होती है, जहां पर पहली बार बॉन्ड्स सिक्योरिटीज या जो पहली बार बेचा जाता है, ठीक है, उसको फर्स्ट इशू को हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं।
सेकेंडरी मार्केट होती है जहां पर उसी फाइनेंशियल इशू को दूसरी मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कार लिया किसी ऑथराइज्ड शोरूम से, बाद में उसी कार को सेकंड हैंड मैंने किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया और उस थर्ड पार्टी ने उस सेकंड हैंड कार को किसी और को बेचा, तो जो सेकंड हैंड कार की मार्केट है वो क्या हो गई? सेकेंडरी मार्केट हो गई। अब बोलोगे सर कि ये फाइनेंशियल मार्केट में कैसे आ गया, तो फाइनेंशियल मार्केट में ही होता है। जैसे आप पहली बार किसी कंपनी का शेयर करते हैं, आप काफ़ी लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते होंगे, तो मान चलिए आज एक शेयर का रेट $10 है और आपके पास ₹1,000 है, तो आपने दस शेयर खरीद लिया किसी भी कंपनी का, आपने शेयर खरीद लिया। ठीक है, लेकिन जब वो रेट आपको ₹20 मिलना शुरू हुआ, $10 से उसका रेट $20 हो गया, तो आपने क्या किया, उस शेयर को आपने शेयर मार्केट में क्या किया, बेच दिया। तो पहली बार जो आपने शेयर खरीदा था तो वो आपका प्राइमरी मार्केट में था, लेकिन जब आपने उसी शेयर को आप कह सकते हैं रीसेल पर्पस, कि जब हम दोबारा से उसी के बेच देते हैं तो वो हो जाता है सेकेंडरी मार्केट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। अब बात कर रहे हैं क्लास, ध्यान समझना, एक एक बातें समझोगे क्योंकि आगे चल कर आपको ये समझिए। अगला क्लास मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट क्या होता है इसको समझना है और कैपिटल मार्केट होता है इसको क्या समझना है, ध्यान से समझना ताकि समझ में आ जाए। देखो मनी मार्केट में मनी का कारोबार होता है, ठीक क्लास, मनी मार्केट में मनी का कारोबार होता है, मतलब मनी मार्केट को कंट्रोल कौन करता है, इसको RBI कंट्रोल करती है। मनी मार्केट को हम ऐसा बोलेंगे, इसको RBI कंट्रोल करती है, ठीक है। और ये कैपिटल मार्केट है, जो मनी मार्केट है कंट्रोलिंग अथॉरिटी RBI है, लेकिन मनी मार्केट है क्या, तो मनी मार्केट जो होता है वो क्लास शॉर्ट रन के लिए लेन देन होता है, मतलब जो मनी का ट्रांजैक्शन होगा बिजनेस शॉर्ट रन, एक दिन, दो दिन, दस दिन, एक महीना, छः महीना, जो कि कारोबार होता है उसे बोलते हैं मनी मार्केट, शॉर्ट रन पीरियड के लिए होता है। लेकिन जो कैपिटल मार्केट होता है वो लॉन्ग रन के लिए होता है, 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए, जो पैसे का कारोबार होता है यहाँ पर उसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट RBI द्वारा कंट्रोल होता है और कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। तो बेसिकली मुझे आपसे यहां पर यह बताना है कि जो मनी मार्केट है वो RBI के द्वारा कंट्रोल होता है और जो ये कैपिटल मार्केट है ये सेबी के द्वारा कंट्रोल होता है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए कारोबार होता है, यहाँ पर शॉर्ट रन के लिए कारोबार होता है। ये मनी का कंट्रोल RBI करता है। दूसरी बात कि आपको इसे बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या होता है, सारी बैंकें आ जाती हैं और इसमें सारी नॉन बैंकें आ जाती हैं, जैसे जितने भी कमर्शियल बैंकें हैं मनी मार्केट में वर्क करती हैं और जितनी भी कैपिटल मार्केट में नॉन बैंकें वर्क करती हैं, जैसे आपने LIC सुना होगा, GIC सुना होगा और ऐसे ही कुछ और हैं, जैसे कि IDBI सुना होगा आपने, ICICI पोटेंशियल सुना होगा, तो ICICI पोटेंशियल हो गया, IDBI हो गया, SIDBI हो गया, ठीक है,
ऐसे IFCI हो गया, ठीक है। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है जो ऑफ इंडिया, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, ये क्या करते हैं, लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग रन के लिए एसेट्स क्रिएट करते हैं, तो जिसका कंट्रोल जो है सेबी करता है। और ये होता है RBI जो शॉर्ट रन के लिए काम करता है, इसके अंडर में सारे बैंक्स और सारे इंस्टीट्यूशन आते हैं। अच्छा, इसके अंदर में हम कह सकते हैं कि ये नॉन बैंकिंग इंटरमीडिएटरी आ जाते हैं, क्योंकि देखो ये कंपनी पैसे कहाँ से लेती हैं, RBI से ही लेती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पूरा जो मार्केट है फाइनेंशियल मार्केट, टू मार्केट में डिवाइड है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और मनी मार्केट, या इसे हम कैपिटल मार्केट कहेंगे। इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं क्लास तीसरा। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो ये है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ओके। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं क्लास, कुछ कभी सुना होगा आपने। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है, जैसे मान के चलो इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दो तरह के आ गए, कौन कौन से आ गए, एक तो आएगा मनी मार्केट, मरे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा आता है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। दो तरह के इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, एक तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट और दूसरा कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। अब आपको बताता हूं कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में आपने सुना होगा बहुत सारा, वैसे तो आपको पता ही है, मनी मार्केट में आपने मॉनेटरी पॉलिसी सुना होगा। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि किस मीडियम को लेकर के किस इंस्ट्रूमेंट से पूरा मनी मतलब मार्केट चलता है। तो RBI क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, आपने सुना होगा। तो जब RBI मॉनेटरी पॉलिसी क्रिएट करता है, ठीक है, जब मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है तो उसके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वह इंस्ट्रूमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होते हैं। इसको आप बोलेंगे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, आपने सुना होगा, जिसको क्वांटिटी में और किसको क्वालिटेटिव में। जैसे बैंक रेट सुना आपने, और आपने सुना होगा CRR कैश रिजर्व रेशो, ESLR स्ट्रक्चरली लिक्विड रेशो, या आपने सुना होगा रेपो रेट, या आपने सुना होगा रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। और इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मनी मार्केट किस तरह से कंट्रोल होता है, उसके लिए उसके पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो मनी मार्केट में बैंक रेट को चेंज करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। बैंक क्या करता है, RBI CRR ESLR इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। तो इसी तरह से आपने पढ़ा होगा इसके पास क्वालिटेटिव भी होता है, जैसे मोरल सेशन होता है, पब्लिसिटी होता है, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन लेता है। तो इसके पास अलग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब मनी मार्केट में अलग इंस्ट्रूमेंट है, मनी को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए, मनी के सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए उसके पास अपने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसी तरह से अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट के भी अपने अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे इसमें ट्रेजरी होता है, सुना होगा आपने, एडहॉक्स बिल होते हैं,
और बहुत तरह के हैं जिसमें हम आपको अभी गिना नहीं सकते, आपको इसे बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्लास। मैं आपको सिंपल शॉर्टकट बताता हूँ अभी कि जो कैपिटल मार्केट है यहाँ पर कॉल मनी होती है, एक बाइंग ऑप्शन होता है, एक पुल ऑप्शन होता है, एक ट्रेजरी होती है, ठीक है। और यस, क्या रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, अरे जब रिपो क्या बोल रहे क्लास, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता है। इसी तरह से यार कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं अपने, उसके कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि इसमें भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उसको नाम गिराऊंगा लेकिन आपको समझ में आएगा। जैसे ट्रेजरी बिल होता है, एडहॉक्स बिल होता है, डिबेंचर्स होते हैं, राइट्स होते हैं, कुछ इशूज होते हैं, ठीक है। इन सब की चर्चा हम कैपिटल मार्केट पढ़ाऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो मनी मार्केट यानी कि ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जाएंगे, चाहे वो मनी मार्केट हो और चाहे कैपिटल मार्केट हो, दोनों के इंस्टीट्यूशन को मिला के हम लेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो सिस्टम ये हुआ कि इसको हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा है क्लास, एक और पार्ट डिवाइड किया मैंने, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विस। तो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं और वो अपनी एक मार्केट में कोई चीज़ सेल परचेज करते हैं और किस तरीके से करते हैं वो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। और कौन कौन सी सर्विस देते हैं उस सर्विस को हम क्या बोलेंगे क्लास, फाइनेंशियल सर्विस। और फाइनेंशियल सर्विस को आप ऐसा कह सकते हैं कि द मार्केट मर्चेंट बैंकिंग सुना आपने होगा, इस तरह से बहुत तरह की सर्विस आती है। भाई आप एटीएम यूज़ कर रहे हैं, आप निफ्ट सर्विस यूज़ कर रहे हैं, आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मनी यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वेस्टर्न ट्रांसफ़र मनी सुना होगा आपने, विदेश से हमारे पास पैसा आ रहा है, गोल्ड रख करके आपको लोन्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी सर्विस है जिसको हम डिस्कस करेंगे सर्विस वाले पार्ट में। अब आप देखो जैसे लीजिंग है, लीजिंग सुना आपने होगा, लीजिंग हायर, बहुत सारी लीजिंग कंपनियां हैं, बहुत सारी हायर परचेज कंपनियां हैं लोगों ने बना रखी है सर्विस देने के लिए, या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी समझते होंगे कि जो किसी भी इंस्टीट्यूशन को क्रेडिट रेटिंग करती हैं और उसके बेस पे वो लोन्स प्रोवाइड करती हैं। या मर्चेंट बैंकिंग सुना होगा आपने, मर्चेंट बैंकिंग, बहुत सारी कंपनियां जो मर्चेंट बैंक है, आसमा फाइनेंस है जो कि भी पश्चिम बंगाल में सुना होगा स्कैम वगैरह हुआ था, इस तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि मर्चेंट बैंकिंग है, लीजिंग है, हायर परचेज कंपनियां हैं, क्रेडिट एजेंसी हैं। आपने क्रिस्टल का नाम सुना होगा, क्रिस्टल ए, जैसे आपको ए ट्रिपल ए देती हैं या प्लस देती हैं, तो सब एजेंसीज होती हैं। ये आपकी इंस्टीट्यूट को बताते हैं कि आपका इंस्टीट्यूट डूबने वाला है या प्रॉपर कैसे रन करेगा। तो अब हम इसकी डिस्कस बाद में करेंगे। अब आपको मुझे ये बताना है क्लास कि पूरा जो सिस्टम है क्या, किस चीज़ का, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इन पांचों चीज़ों को मिला करके हम बोलेंगे फाइनेंशियल सिस्टम। सो फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब है कि देयर इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल सर्विस। इन सारे सेगमेंट को मिला करके हम बोलेंगे कि ये स्ट्रक्चर है हमारी इकोनॉमी का, ये पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है जिसमें बैंक और नॉन बैंक भी इंक्लूड है, कैपिटल मार्केट मनी मार्केट इंक्लूड है, प्राइमरी गुड्स और प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट इंक्लूड है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये आता है कि भैया डिफाइन करो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इन इंडिया,
या व्हाट आर द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, सो आपको क्या करना है इसके बेस पे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बना करके और वन बाय वन आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट चैप्टर था, मतलब यूनिट फर्स्ट, जिसमें आपको वो सिखाना चाहता है कि किसी भी कंपनी में, किसी भी कंट्री में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे ही वर्क करता है, चाहे अमेरिका का इंस्टीट्यूशन दे लीजिए और चाहे इंडिया का। इतना समझ में आ गया है तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन कर लो। चले क्लास, ओके अब हम दूसरा स्टार्ट करते हैं क्लास। मेरा फोन भी डिस्चार्ज ही है, देखते हैं। अब दो चीजें पढ़ लीजिए, एक टॉपिक और पढ़ लीजिए क्लास, इक्विलिब्रियम ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इक्विलिब्रियम ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ध्यान से समझना, आपके बुक में बहुत थोड़ा सा दिया गया है लेकिन मैं थोड़ा सा ज्यादा बताऊंगा, समझ लेना आपको। हम पढ़ रहे हैं मार्केट एक्सटेंशन, तो आपको क्लास पता है कि जिस तरह से गुड्स मार्केट में प्राइस का डिटरमाइन होता है, उसी तरह से फाइनेंशियल सेक्टर में भी, फाइनेंशियल मार्केट में भी क्या डिटरमाइंड होता है, इंटरेस्ट रेट। अब आप बोलेंगे सर दो चीजें आपको समझना है पहले क्लास, कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, जितने भी बैंक हैं और जितने भी नॉन बैंक हैं, ये सब क्या करते हैं, अपनी पॉलिसी बेचते हैं। जब वो अपनी पॉलिसी बेचते हैं तो दो तरह की पॉलिसीज बेचते हैं क्लास, एक शॉर्ट रन पॉलिसी और एक लॉन्ग रन पॉलिसी। लॉन्ग रन पॉलिसी बेसिकली होती है कैपिटल मार्केट में, शॉर्ट रन पॉलिसी हम कर सकते हैं मनी मार्केट में। लेकिन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की पॉलिसी को हम भूल के थोड़ी देर पहले बोलेंगे कि जो भी मार्केट में डिटरमाइंस होता है इंटरेस्ट रेट का, वो किस बेस पे डिटरमिनेशन होता है, हमें आपको ये समझाना है, ये आपका थोड़ा सा पार्ट है। तो देखो दो तरह की सिक्योरिटीज होती हैं, आप लिख लेंगे, जिसे बोलेंगे क्लास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा, पहले लिखिए आप शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि शॉर्ट टर्म क्या होती है और टर्म का मतलब क्या, तो लॉन्ग टर्म क्या होती है। तो टर्म का मतलब क्या है, टर्म क्या बताएगा क्लास, व्हाट डू मीन टर्म। टर्म का मतलब है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, एक साल, दो साल या तीस साल या पचास साल, तो अलग अलग टाइम के लिए। अब टाइम का मतलब यहां पर सा है मैच्योरिटी पीरियड से, व्हाट डू मीन मैच्योरिटी, तो टाइम का मतलब है क्लास मैच्योरिटी। मैच्योरिटी समझते होंगे, क्लास टाइम का मतलब होता है
टर्म का मतलब हमारा यहाँ पर है मैच्योरिटी से, मैच्योरिटी समझते हैं, जब आपकी पॉलिसी मिच्योर होती है, जब आपकी पॉलिसी मिच्योर होती है तो उसे बोलते हैं मिच्योरिटी। तो अगर द शॉर्ट टर्म मिच्योरिटी का मतलब होता है कि पॉलिसी मिच्योर हो रही है कितने साल में, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी होता है कि कितने समय तक, टाइम पीरियड, गुड। और मिच्योरिटी, ओके, अच्छा ध्यान समझना, कुछ फर्में होती हैं जो लॉन्ग रन के लिए पॉलिसी बेचती हैं और कुछ फर्में होती हैं जो शॉर्ट रन के लिए पॉलिसी बेचती हैं। पॉलिसी बेचने वाला कौन है यहाँ पर? इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो बैंक इंस्टीट्यूशन हो और चाहे नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन हो, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट में पॉलिसी की सप्लाई करने वाला, मतलब मान के चलो LIC कंपनी है, LIC है, वो आपको पॉलिसी बेचने को तैयार है, बोलता है हर साल आप इतना प्रीमियम दीजिए और आप 20 साल तक के लिए मुझसे पॉलिसी ले लीजिए। प्रीमियम उसने डिसाइड किया, प्रीमियम उसने डिसाइड किया, टाइम उसने डिसाइड किया, यानी कि मतलब है कि वो कितने टाइम के लिए कितना प्रीमियम पर आपको ऑफर कर रहा है कि आप पर मंथ मुझे 1,000 रुपये जमा कीजिए, 20 साल तक जमा कीजिए, इसके बाद में इसके बदले में इतना परसेंट दूंगा। इसका मतलब है कि वो सप्लाई को सेल कर रहा है, वो पॉलिसी का सेलर है। तो सेलर कौन हुआ? इंस्टीट्यूशन हुआ, वो सेल कर रहा है। जिस रेट पे सेल कर रहा है उसे बोलते हैं टर्म प्राइस। क्या बोलते हैं क्लास? टर्म प्राइस। तो टर्म प्राइस ध्यान समझते जाना, इस टर्म प्राइस को क्या बोलते हैं आप? प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीमियम, प्रीमियम, ठीक है, आप लिख लीजिएगा प्रीमियम। मतलब प्रीमियम क्या होता है क्लास? जो पर मंथ आप जमा करते हैं उसके पास। तो ये देखो कि ऐसे जैसे कमर्शियल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, हर बैंक अपनी अपनी पॉलिसी बेच रहे हैं। कोई कहता है कि 6% इंटरेस्ट रेट पे, कोई 10% इंटरेस्ट रेट पे है, या ICICI कहता है कि 10% लीजिए, दूसरा बैंक कहता है 6% में बेच रहे हैं आपको देंगे कमर्शियल, और जो प्राइवेट बैंक है वो आपको ज़्यादा दे रहे हैं। तो डिफरेंट बैंक, डिफरेंट पॉलिसी और डिफरेंट टाइम मेच्योरिटी और डिफरेंट पीरियड, अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग रेट पे अलग अलग पॉलिसी को बेच रहे हैं। तो ये लोग क्या हो गए? ये लोग सप्लायर हो गए किस चीज के? ये हो गए सप्लायर आपको, जो मार्केट में पॉलिसी सेल कर रहे हैं। यानी कि हम बोलेंगे कि क्लास एक वर्ड आपको बताना भूल गया मैं, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज क्या होती है? अगर आप किसी बैंक की पॉलिसी परचेज कर लेते हैं तो आपके पास वो सिक्योरिटीज है, आप सिक्योर समझते हैं कि मेरा पैसा उनके पास सिक्योर है और वो मुझे इन फ्यूचर में इतना पैसा देंगे। तो जैसे FD है, फिक्स डिपॉजिट, आप हर मंथ उनको फिक्स डिपॉजिट करते हैं और बदले में आपको कुछ नहीं देता, भी एक कागज़ का टुकड़ा दिया हुआ है और बोलता है कि जब आपकी मैच्योरिटी पूरी होगी तब हम आपको पैसा दे देंगे। मतलब आप पर उन पर ट्रस्ट है, लाइबिलिटीज है उसके प्रति, उसकी लाइबिलिटीज है, मेरे पास लाइबिलिटीज है, मेरे पास एसेट्स है। तो जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं वो मेरी एसेट्स हो जाता है। तो एक वर्ड समझ लो, एसेट। एसेट्स क्या होते हैं?
जो हम पॉलिसी खरीदते हैं वो हमारी एसेट्स है, हमारी संपत्ति है। बोलते भैया तुम्हारे पास कितनी पॉलिसी है, तुम्हारे पास कितना गोल्ड है, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस कितना है, ये क्या हो गया? देखो सिक्योरिटीज का मतलब क्लास यहां पर है, मिसा सिक्योरिटीज का मतलब जो भी बॉन्ड्स, जो भी पॉलिसी आप परचेज कर रहे हैं उसी को सिक्योरिटीज बोलते हैं। जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कह सकते हैं, क्या कहते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, जिसे क्या बोलते हैं? सीडी। क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसे हम सीडी बोलते हैं। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? यह आपके पास क्या है? एसेट्स है, ये आपका एसेट्स हो गया। और आप इस एसेट को परचेज करने के लिए आप क्या पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे कर रहे हैं। और कितने साल तक प्रीमियम पे करेंगे वो डिपेंड करेगा कि मैच्योरिटी कितने साल की है। क्यों? ये सब किसने डिसाइड किया? ये सब इंस्टीट्यूशन ने डिसाइड किया। तो यानी कि वो लोग पॉलिसी बेच रहे हैं, दे आर लेंडर और यू आर बारोवर। जब हम पॉलिसी खरीदते हैं तो हम पॉलिसी को बारो कर रहे हैं और वो लोग मुझे लोन दे रहे हैं, तो दे आर लेंडर। मैं मतलब है कि आप जब पॉलिसी खरीदते हैं या पॉलिसी बेचते हैं, आपका हो गया डिमांड साइड, मतलब किस रेट पे, किस इंटरेस्ट रेट पे, कितने टाइम के लिए, किस प्रीमियम पे आप पॉलिसी परचेज करने के लिए रेडी हैं। तो वो आपकी यह हो गई डिमांड्स हो गई। और जिस रेट पे वो लोग, जिस टाइम के लिए, जिस प्राइस पर हैं, जिस प्रीमियम पे वो सेल करने को रेडी हो रहे हैं, वो उनका सप्लाई हो गया। तो जो मार्केट में डिटर्मिनेशन यानी कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा, जहाँ पर सिक्योरिटीज की डिमांड और सिक्योरिटीज की सप्लाई इक्वल हो जाएगी, वो मार्केट इक्विलिब्रियम या फाइनेंशियल मार्केट इक्विलिब्रियम होगा। अब फाइनेंशियल मार्केट इक्विलिब्रियम में किसी एक इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन है सबकी सप्लाई और सबकी डिमांड कुछ मिला के तो फाइनेंशियल मार्केट इक्विलिब्रियम हो जाएगा। समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपका क्लैरिटी आ जाए। मैं थोड़ा सा स्पेस चाहता हूँ, इसलिए मिटा रहा हूँ। देखो क्लास, एज्यूम करता हूँ कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट 4% है। मार्केट में इंटरेस्ट रेट 4% है, ध्यान समझना। मार्केट में इंटरेस्ट रेट है 4% और 1 ईयर, मैच्योरिटी, मतलब आप अगर एक साल के 4% रेट पे अगर आप अपना पैसा एक साल के लिए रखते हैं तो कहता है कि हम आपको 4% देंगे। क्लियर? अच्छा ठीक है, यानी कि एक साल के लिए। अब यहां पर क्या आएगा? टर्म ऑफ मैच्योरिटी। क्या आएगा? टर्म ऑफ मैच्योरिटी, टर्म्स ऑफ मैच्योरिटीज। और यहां पर आएगा आपका इंटरेस्ट रेट। और मैं बोलता हूं क्लास कि बैंक बोलता है कि हम डिमांड है, ये सप्लाई है, ये 4% पर
4% पे कहता है कि 1 ईयर के लिए, क्या है ये 1 ईयर है। अगर 1 ईयर के लिए आप अपनी पॉलिसी रखते हैं तो आपको 4% वो दे रहा है, तो यानी कि मार्केट में सिक्योरिटीज की सप्लाई है, ठीक है, सिक्योरिटीज की सप्लाई, सीएस सिक्योरिटीज सप्लाई है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ठीक है, तो डिमांड है, सिक्योरिटीज की डिमांड कर सकते हैं, ठीक है, और सिक्योरिटीज की सप्लाई है, तो ये 4% पर डिटर्मिनेशन हो गया, ये फाइनेंशियल मार्केट इक्विलिब्रियम है। लेकिन क्लास अभी समझो, ये शॉर्ट रन की बात कर रहा है, क्या है ये शॉर्ट रन की बात कर रहा है। अगर यही पॉलिसी, यही पॉलिसी अगर 2 साल के लिए लेते हैं, मान के चलो 2 ईयर के लिए लेते हैं, अगर आप अपना पैसा 2 ईयर के लिए डिपॉजिट करते हैं, जैसे अगर 2 ईयर के लिए आप लेते हैं, तो कहता कि हम आपको फिर 5% देंगे। अगर 2 ईयर के लिए लेते हैं तो 5% दे रहा आपको, यानी कि हम मान चले यहां पर 5%, तो ये डिमांड हो गया, ये सप्लाई हो गई, तो 2 ईयर के लिए 5% डिटर्मिनेशन हो रहा है इंटरेस्ट रेट का, ओके। लेकिन आप अगर 30 ईयर के लिए लेते हैं, 30 साल के लिए, तो हो सकता है कि वो 6% दे दे आपको या 8% दे दे। तो अगर हम मान के चलो क्लास 30 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं, 30 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं, तो हमारा ये 8% हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर बनाना था मुझे, ओके, मान चलो 8% हो सकता है। तो यानी कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट प्राइस पे, डिफरेंट टाइम मैच्योरिटी के लिए मार्केट में डिटरमाइन है। हर बैंक की, हर इंस्टीट्यूशन की अपनी पॉलिसी है, लेकिन हम यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहे हैं, तो किसी एक इंडिविजुअल बैंक या एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। ये मार्केट में ओवरऑल 4% चल रहा है। जैसे अभी बैंक बोलेगा कि सारी बैंक की जो है, जितने भी बैंकें हैं, कितना दे रहे हैं इंटरेस्ट रेट आपको, भैया एफडी पे 6% दे रहे हैं, पीपीएफ अकाउंट पे आपको दे रहे हैं 7%। तो ये डिपेंड करेगा कि मार्केट की सिचुएशन में, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या चल रही है। तो हम आपको पढ़ा रहे थे कि मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे होगा, जैसे डिमांड सप्लाई का होता है क्लास गुड्स मार्केट में, वैसे फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की, यानी कि जो पॉलिसीज की सप्लाई और पॉलिसीज की डिमांड, डिमांड आपकी साइड से है, पॉलिसी इंस्टीट्यूशन की साइड से है, जहां पर दोनों इक्वल हो जाते हैं। जैसे आपको कोई पॉलिसी लेनी है, ब्रोकर आपके एजेंट आपके घर पे आता है और हर तरह की पॉलिसी समझाता है, आप 20 साल के लेंगे तो आपको इतना देना पड़ेगा, 10 साल लेंगे तो ये कवरेज है, 5 साल लेंगे तो आपका प्रीमियम ज़्यादा होगा, लेकिन आपका रिस्क प्रीमियम ज़्यादा है, आपको ज़्यादा कवरेज मिलेगा, आपको बूढ़े होने पर इतना मिलेगा, इस तरह से बहुत सारी पॉलिसी बताता है आपको। क्यों? क्योंकि उसको बेचना है, वो ऑफर दे रहा है, और आप जिस पॉलिसी को परचेज कर लेते हैं वो आपकी डिमांड हो जाती है, तो जिस रेट पे वो देने को तैयार था आप तो परचेज कर लिया ना, तो जहां पर परचेज किया जिस रेट पे अपनी डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गई, तो मार्केट डिटर्मिनेशन हो गया, ठीक है, ये शॉर्ट रन हो गया। और अगर मैं बात करूं, अगर इसी ग्राफ को मिला देते हैं तो लॉन्ग रन की बात हो जाएगी। तो भैया अगर, अच्छा दो चीज होता है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन होता क्या है, समझ गए आप, एक बात और समझा दूं यहीं पर, यील्ड क्या होता है, यील्ड YIELDE, नहीं YIELDE, यील्ड्स, कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन यील्ड्स, मिसा कोई बताओ, रिचा एनीवन प्लीज, व्हाट डू यू मीन यील्ड, क्लास व्हाट डू यू मीन यील्ड,
एड मीन्स जो रिटर्न आता है भाई, आपके पास जो रिटर्न आता है वो क्या है? यस, क्लियर है? मतलब यील्ड का मतलब होता है कि जो आपको फाइनल मिला. यस, यील्ड कर्व, इसको यील्ड कर्व बोलते हैं. तो यील्ड कर्व क्या दिखाता है? यील्ड कर्व ये कहता है कि आपने जो पॉलिसी परचेज की है, पॉलिसी मैच्योर होने पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट आपका यील्ड हो गया. यील्ड ये दिखाता है कि यील्डिंग है कि आपको कितना इंटरेस्ट इन फ्यूचर में मिला, वही आपका यील्डिंग है. अगर मैं इन्हीं ग्राफों में यील्डिंग कर्व बनाऊं, इसी ग्राफ में अगर मैं यील्डिंग कर्व बनाऊं तो कैसे बनेगा, आपको समझते थोड़ा सा. यहां से जाएंगे 4%, 5% और 8%. तो अगर हम तीनों को हम मिला दें तो ये मेरा यील्ड कर्व बन जाएगा. या ऐसा कर सकते हैं, 4% था, अच्छा 2 ईयर के लिए कितना था ये, 5%. ओके, और एक बार मिटाई देते हैं यार, इसी में खिचड़ी पका रहे हैं. मिटा रहा हूँ बेटा, प्लीज. मैंने आपसे बोला कि अगर आप एक साल की पॉलिसी ले रहे हैं तो वो आपको 4% दे रहा है, और अगर आप 2 ईयर की पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको वो 5% दे रहा है, और अगर आप 30 ईयर के लिए ले रहे हैं तो आपको वो 8% दे रहा है. इसका मतलब है कि 30% के सामने, 5% के सामने, 4% सामने. अगर हम इसको मिला देंगे सो क्या बनेगा क्लास, इसको हम बोलेंगे YIELD एड्स कर. क्यों? डिफरेंट डिफरेंट टाइम मैच्योरिटी पर डिफरेंट यील्डिंग. भाई एक साल की टाइम मैच्योरिटी पे 4% मिलेगा, 2 साल पे 5% मिलेगा, 30 साल पे 8% मिलेगा. ठीक है, तो अब इस थ्योरी को हम नहीं यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि इस चीज़ों को हमें आपको नेक्स्ट आगे चैप्टर में पढ़ाने हैं क्लास. ठीक है, तो यार आज बस करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, आज मैसेज हो गया, क्योंकि मैंने 2 क्लास मॉर्निंग में लिया था. आप चीज़ों को समझना है क्या, कि ये जो पेपर है फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन है, और इस पेपर को समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो भाई. तो उसके लिए आपको क्या करना है क्लास, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना है. मैं आपको इस पेपर को कवर करूँगा, क्योंकि अब मैं पेपर MEC 7 नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इस पेपर को मैं पर डे कवर करूँगा. तो आप पर डे 3 से 5 आ जाइए, या 5 से 7, आप डिसाइड कर लें टाइम क्या है. ठीक है, तो हम कल इसी टाइम मिलेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका मनी मार्केट, या अगला टॉपिक हमारा है क्लास स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट. ठीक है, सो ठीक है, डाउट हो तो प्लीज़ ये मैसेज बॉक्स में ज़रूर करना, और उम्मीद करता हूँ कि सारा पॉइंट क्लियर हुआ होगा. ठीक है, थैंक यू. सो सर आप बताओ आपका टाइमिंग अवेलेबल रहेगा? बेटा जी ठीक है, हम लोग पढ़ लेंगे, डिसाइड कर लेंगे ग्रुप में. सो टाइमिंग जो भी लगेगा, ओके 3 to 5 डन. एवरीडे 3 to 5 कर लेते हैं, या हम आपको बता देंगे. अभी तो कल संडे, कल पढ़ते हैं, बाकी अगला हम डिसाइड कर लेंगे. सो थैंक यू, इस प्लेटफॉर्म पे आपने पार्टिसिपेशन किया और मुझे भी अच्छा लगा. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा.